दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अमेरिकन बॉडी बिल्डर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक जेन, सर्ज न्यूब्रेड, सर्जी ओलिविया जूनियर, रेज पार्क, जितने भी बड़े से बड़े और सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स के आपने नाम सुने हैं, उन सभी के रोल मॉडल थे। ये टाइम आज से 70 साल पहले का था जब मिस्टर ओलंपिया तो क्रिएट भी नहीं हुआ था, और मिस्टर ओलंपिया को बनाने वाले जो वीडर वो खुद भी इन्हें अपना आइडल मानते थे। ये कहानी है स्टीव रीव्स की, जिन्हें सबसे पहला क्लासिक फिजिक, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैं उन्हें सबसे पहला क्लासिक फिजिक एथलीट मानता हूँ जो आज तक इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बेस्ट फिजिक नेचुरली अचीव कर पाए हैं। स्टीव रीव्स अपने एरा के सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और अगर हम कहें कि क्लासिक फिजिक का जन्म जहाँ से स्टार्टिंग वे पता चला कि क्लासिक फिजिक होती क्या है, कि एक ऐसी सिमेट्री वाइज फिजिक बनाना जिसे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक प्राप्त हो, वो स्टीव रीव्स ने स्टार्ट किया था। इसके साथ स्टीव रीव्स अपने पूरे एरा में जो सबसे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते थे उन सभी कॉम्पिटिशन्स के चैम्पियन रह चुके हैं, चाहे वो मिस्टर यूनिवर्स हो या मिस्टर अमेरिका हो, क्योंकि जिस एरा में वो कम्पीट किया करते थे इन 1940 एंड 1950, उस एरा में अभी तक मिस्टर ओलंपिया क्रिएट ही नहीं हुआ था। इसके अलावा स्टीव रीव्स को आप सभी जो भी एज में बड़े हैं, जो भी 30+ एज के हैं, उन सभी ने स्टीव रीव्स को हरकुलिस मूवी में ज़रूर देखा होगा, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में ओवरऑल सबसे बड़े मूवी एक्टर्स में से एक हुए। अपने पीक टाइम ऑफ करियर जो उनका एक्टिंग करियर था, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर बने बिकॉज ऑफ हिज ऐसी अमेजिंग फिजिक उनके पास थी कि उस टाइम पे वैसी फिजिक और किसी भी एथलीट के पास नहीं थी। अपने एरा के सबसे एस्थेटिक और सबसे मस्कुलर फिजिक होल्डर स्टीव रीव्स ही थे। तो आज इन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी। स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टीव रीव्स का जन्म 21 जनवरी 1926 में हुआ था, और वो ऐसी जगह थी जहाँ का नाम मोंटाना है। आप लोगों ने बहुत बार इस जगह का नाम सुना होगा। इस जगह पे उनका जन्म हुआ। स्टार्टिंग से ही स्टीव रीव्स बहुत ही ज़्यादा कोई वेल बिल्डेड फिजिक या वेल बिल्डेड जेनेटिक्स वाले एथलीट नहीं थे। वो एक नॉर्मल फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करते थे, उनके फादर फार्मर थे। जब उनकी उम्र 10 साल थी तो उनकी माता गोल्डी रीव्स उन्हें लेकर कैलिफोर्निया चली गई, क्योंकि उनके पिता लेस्टर बेल रीव्स की देहांत के बाद, जो कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनकी पूरी की पूरी फैमिली को एक नया फेस चाहिए था, एक नया जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी बाकी की लाइफस्टाइल आगे चालू रख सके, जिसके लिए स्टीव रीव्स को लेकर उनकी माता कैलिफोर्निया चली गई। स्टीव रीव्स का बचपन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं बीता है, क्योंकि उनका ओवरऑल जो भी पढ़ाई लिखाई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्कूल में हुआ करती थी। वहाँ पर सबसे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी यंग एथलीट को बनने के लिए, जो उन्हें मोटिवेशन मिलती है, वो होती है या तो उन्हें कोई भी बुली करे, या फिर उनके पास कोई भी एक ऐसा अट्रैक्टिव चार्म दिखाई दे जिसकी वजह से वो किसी भी फील्ड को अपने आप इंटरेस्टेबल बना लें। तो वैसा एक इंसिडेंट हुआ स्टीव रीव्स के साथ जब स्टीव रीव्स अपने हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उससे कुछ वक्त पहले वो अपने सभी दोस्तों के साथ बैठे थे, और जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है कि सभी लोग आपस में पंजा लड़ाते हैं, तो जो आर्म रेसलिंग होती है वो अपने एरा में वो जितने भी दोस्त से सभी किया करते थे। तो उस वक्त एक छोटा सा लड़का जो उनसे उम्र में भी छोटा था, हाइट में भी छोटा था, उनके साथ उन्होंने पंजा लड़ाया, और जब आर्म रेसलिंग फिनिश हुई, जब पंजा लड़ा के वो हटे, तो रिज़ल्ट ऐसा आया जिसने उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस कॉम्पिटिशन में, जो एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन था, लेकिन उसमें भी वो अपने उम्र से छोटे एथलीट से हार गए, जो कि दिखने में भी उनसे ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा करता था। जब ये हादसा उनके साथ हुआ, तो जब वो शाम को वहाँ से गुजर रहे थे दोबारा उसी जगह से, तो उन्होंने देखा कि जिस भी पर्सन से वो हारे थे, जिस छोटे लड़के से वो हारे थे, वो शाम को वेट ट्रेनिंग करता है। और वो दिन था, वहाँ से उनकी वेट ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद वो अपने एरा के सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर, और आज तक भी जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे यूनिवर्स में भी किसी के पास उनसे अच्छी नेचुरल फिजिक अचीवेबल नहीं है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि उनका जो एरा स्टार्ट हुआ, वो एरा की स्टार्टिंग हुई 1940s में, जब उन्होंने अपनी हाई स्कूल फिनिश करके अपना जो बॉडी बिल्डिंग करियर है उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। जब वो एज 16 के थे उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बॉडी बिल्डिंग छोड़कर अमेरिकन आर्मी में जाना पड़ा। और अमेरिकन आर्मी में जाने की वजह से उन्हें वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब तक चलता रहा 1945 तक, उन्होंने फिलीपींस में रहकर अमेरिकन आर्मी को सर्विस प्रोवाइड करी और साथ ही साथ अपना जो बॉडी बिल्डिंग का गेम था वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। ओवरऑल इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर भी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पैटर्न आज के बॉडी बिल्डर्स या फिर गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स उन सबसे डिफरेंट था। उनका ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड ही होता था कि वो 3 दिन पूरे के पूरे वीक में ट्रेनिंग किया करते थे, जिसमें कि उन्हें रेस्ट पीरियड बहुत अच्छा मिलता था और उन्हें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी कि मुझे 5 दिन या 6 दिन रेगुलर जिम जाना है। उनका ट्रेनिंग पैटर्न बहुत ही डिफरेंट हुआ करता था गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर से भी पहले, क्योंकि ये बात है जब गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी, मिस्टर ओलंपिया जैसा कुछ था ही नहीं, ये उस वक्त की बात है। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ फिलीपींस से वो वापस आए, 1946 में उन्होंने अपना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट किया और उसके बाद से लेकर वो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा उन्होंने। 1946 में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स जीता, 1947 में उन्होंने मिस्टर वर्ल्ड जीता, 1948 में फिर से मिस्टर यूनिवर्स जीता और 1950 में भी उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स जीता। ये सारे उस टाइम के दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग शोज थे, क्योंकि उस वक्त तक 1950 में जब उन्होंने अपना लास्ट कंपटीशन खेला मिस्टर यूनिवर्स और उसे भी जीत लिया, उसके बाद 15 सालों के बाद मिस्टर ओलंपिया बना था, जो 1965 में सबसे पहले कंपटीशन हुआ था। तो वो उस वक्त तक सबसे बड़ा जितने भी कंपटीशन हुआ करते थे, चाहे वो नाबा के हो, चाहे वो AAU के हो, जितने भी फेडरेशन थी सभी के मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन उन्होंने ओवरऑल जीते हैं। उनकी हाइट 6'1" थी, जिसमें वो हमेशा 102-101 किलो के वेट कैटेगरी में ही कम्पीट किया करते थे और ओवरऑल एक ऐसी एस्थेटिक फिजिक कैरी किया करते थे जिसकी वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिली। इसके बाद जब उनका कंपटीशन प्रेप स्टार्ट हुआ इन 1946 और 47, उसी वक्त उनकी मुलाकात एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से हुई, एक ऐसे एजेंट से हुई जो सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट करता था एक्ट्रेस बनाने के लिए या फिर मूवी के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे उनकी फिजिक बहुत ही अच्छी बिल्डेड थी, बहुत ही अच्छी, और उस टाइम के एरा में जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे उन सभी में साइज़ में सबसे बड़े और सबसे अट्रैक्टिव फिजिक इन्हीं के पास थी। तो इसलिए उस वक्त एक मूवी डायरेक्टर जो इटली से थे, उन्होंने एक मूवी बनाने की सोची जिस मूवी का नाम हरकुलिस था। आप सभी जानते हैं कि हरकुलिस मूवी कितनी बड़ी हिट हुई थी और आज भी हरकुलिस के ऊपर न जाने कितनी बार नए नए एक्टर्स और नए नए डायरेक्टर्स ने मूवी बनाई और वो बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहता है। तो सबसे पहले जो हरकुलिस बने थे वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो सबसे फेवरेट उस टाइम के एथलीट्स थे वो थे स्टीव रेव। उनकी कास्टिंग करने के बाद हरकुलिस फिल्म बनाई गई। और हरकुलिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि उस टाइम का सक्सेस रेट क्या था, कि आज से 70 साल पहले जब हरकुलिस मूवी रिलीज हुई तो उस टाइम पर उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड में $5 मिलियन का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट था। हरकुलिस का फर्स्ट पार्ट जब रिलीज़ हुआ, उसके बाद जब उनका सेकंड पार्ट शूट स्टार्ट हुआ था, उस एरा में स्टीव रीव सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाले एक्टर बन चुके थे। और ओवरऑल देखा जाए तो उस टाइम पे उनका एरा अपनी पीक पे चल रहा था, चाहे वो एक्टिंग लाइन हो या फिर उनका बॉडी बिल्डिंग करियर हो। लास्ट में बॉडी बिल्डिंग करियर उन्होंने 1950 में फिनिश किया अपना ओवरऑल चैंपियनशिप जीत के, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर एक्टिंग में ही देना स्टार्ट कर दिया। अगर स्टीव रीव्स के बारे में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊं, तो उसमें एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि स्टीव रीव्स का जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल था वो ये था कि वो फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया करते थे, जिस यानी अगर वो 3 दिन का स्प्लिट जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें वो एक दिन जिस भी दिन ट्रेनिंग किया करते थे अपनी फुल बॉडी को ट्रेन करते थे। ऐसा नहीं था कि अपर बॉडी या फिर लोअर बॉडी या पुश पुल, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी की ट्रेनिंग एक ही साथ किया करते थे। उनकी न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो न्यूट्रिशन उनका बाकी गोल्डन एरा के एथलीट जैसा नहीं था कि वो लो कार्ब पे रहते थे। उनका न्यूट्रिशन प्लान 60-50% हमेशा कार्ब रहता था और 20-20% या 20-25% जो प्रोटीन और फैट का रेशियो उनका कंटिन्यूसली चला करता था। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो स्टीव रीव्स कोई इतने बड़े फ्रेम वाले एथलीट नहीं थे, लेकिन इनके पास सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि इनकी ओवरऑल फिजिक बहुत ही एस्थेटिक लगा करती थी,
जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला और इतना अट्रैक्टिव लुक होने की वजह से सबसे पहले क्लासिक फिजिक कैरी करने वाले एथलीट इन्हीं को माना जाता है, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स जो आज की डेट में भी आप सभी जानते होंगे, फ्रैंक जेन या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इन सभी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी थी कि एक ऐसी एस्थेटिक फिजिक कैरी करो जिसमें आपकी कोई कमियां ना हो, सिमिट्री हो, प्रोपोर्शंस हो और साथ ही साथ एक ग्रीक गॉड जिसे कहते हैं उनकी लैंग्वेज में जो सबसे कंप्लीट बॉडी बिल्डर हो उसे देखा जाए। तो अपने एरा के सबसे ग्रेटेस्ट और अपने सबसे बड़े बॉडी बिल्डर स्टीव रीव्स रहा करते थे। इसके बाद की लाइफ में अगर मैं बताऊँ, स्टीव रीव्स का पूरा बॉडी बिल्डिंग करियर ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने अपना एक्टिंग करियर फिनिश करते हुए उन्होंने अपना जो राइटिंग का करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पर उन्होंने कुछ अमेजिंग बुक्स लिखी थी, जिसमें कि एक सबसे अमेजिंग बुक जो आज भी अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी, जो कि डायनामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनका ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, और उसके साथ बिल्डिंग द क्लासिक फिजिक द नेचुरल वे। क्योंकि आप सभी भी ये जानकर हैरान होंगे कि उस टाइम पे जब इतने अमेजिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतनी अमेजिंग सप्लीमेंटेशन नहीं थे, इतना अमेजिंगली कुछ फूड वर्कआउट नहीं हुआ करता था, फिर भी उन्होंने एक ऐसी अमेजिंग फिजिक अचीव करी थी जिसे देखकर लोग सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने स्टार्ट किया था। जबकि अगर मैं आपको एक मिनिमम पॉइंट बताऊँ, उस टाइम पे जो स्टीव रीव्स थे उनका आर्म साइज 18.5 इंच था, जो आज भी बहुत सारे नेचुरल एथलीट का उस एज ग्रुप में होना बहुत टफ होता है, जबकि इतनी अमेजिंग सप्लीमेंटेशन और इतना अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बावजूद। इसके बाद इन द लास्ट टाइम जब उनका लास्ट पीरियड टाइम आया, तो उन्होंने कैलिफोर्निया में एक बीच पे अपना एक पूरा का पूरा फार्म हाउस खरीदा और लास्ट के टाइम वो वहीं पे रहने लगे। ओवरऑल अगर उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊं, तो पूरी लाइफ जर्नी में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को प्रमोट किया, वो था ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग। और ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग उनका जो ये सपना था वो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आए उसके बाद के सभी एरा में आर्नोल्ड एक जेनेटिक फ्रीक थे, इसीलिए उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो करती गई। माना कि वो स्टीरॉइड्स यूज़ किया करते थे, लेकिन उनके बाद जितने भी एरा में एथलीट्स आए उन सभी ने वो पूरा का पूरा एरा ही बदल के रख दिया, जिसमें कि ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए स्टीव रीव्स को आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को ज़रूर बनाऊं, क्योंकि जितने भी एथलीट्स, जितने भी यंगस्टर, जितने भी आप सभी ये वीडियो को देख रहे हैं, सभी का एम बॉडी बिल्डिंग को स्टेज लेवल पे ले जाना नहीं है, सभी को एम है अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाना, एक ऐसी अट्रैक्टिव फिजिक अचीव करना जो नेचुरल वे में पॉसिबल हो। तो आप सभी के लिए ये वीडियो मैं बना के ले आया हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट टाइम मैं आपको बता दूँ, स्टीव रीव्स लास्ट में इन 2001 में उनका देहांत हुआ और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी में सिर्फ और सिर्फ प्रमोट ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग को किया। तो मैं भी आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपका एम बॉडी बिल्डिंग को स्टेज लेवल पे ले जाना नहीं है, तो आप सभी ड्रग फ्री ही बॉडी बिल्डिंग करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बॉडी बिल्डिंग से अमेजिंग रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर कंटिन्यूसली आती रहती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।